अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा। मेरी कुछ अरसे में कुछ लोगों से बातचीत हुई, खासतौर पे अपने मरीजों से, और मुझे ये एहसास हुआ कि जिस कदर इंफॉर्मेशन हमें आ रही है और जिन सोर्सेस से आ रही है वो कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। जितना ज्यादा हम लोग इस कोविड को अपने सर पर सवार कर रहे हैं और इसकी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, उतना ज्यादा हमारी जहनी कैफियत बिगड़ती चली जा रही, और इस जहनी कैफियत में बिगड़ते हुए हालात मजीद कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। सो मेरा पैगाम आप सबको सिर्फ इतना सही है, खुदारा कोशिश करें कि जो इंफॉर्मेशन मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चल रही है उसको वेरीफाई करें, देखें, समझें। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, जो आपके अंदर एंग्जाइटी और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है, आपको जहनी इंतशार का शिकार कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को मत देखें, मत सुने, मत डिस्कस करें। अपने आप को सेफ रखें, अपने घरों में महफूज रखें, ताकि इस वबा से जितनी जल्दी हो सके हमारी जान छुट सके। थोड़ा सा दूसरी तरफ और एक बात कहता चलूं कि मेडिकल मिस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस वबा का इलाज नहीं, जिसकी वजह से आम शख्स का, मेरे जैसे शख्स का भी मेडिकल डॉक्टर पे और मेडिकल साइंस पे एतबार खत्म हो रहा है, जो कि एक और कॉम्प्लिकेशन है। और मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस मजीद हालत में बिगड़ते चले जाएं और ये सोचें कि शायद इसका इलाज मुमकिन ही नहीं होगा। इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द इलाज होगा, ये वबा खत्म हो जाएगी, आप लोग महफूज रहेंगे। बस अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस करने के लिए वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, और जो भी आपको सोशल मीडिया पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको समझें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।